ये है ईटीवी भारत और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। यूसीसी बिल पास करवाने के बाद बजट सत्र की तैयारी में जुटी धामी सरकार। 26 फरवरी से शुरू हो सकता है विधानसभा का बजट सत्र। बजट को जन आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने की तैयारियां तेज। यूपी सरकार ने जारी की रामलला के दर्शन की तिथियां। राज्य सरकारों को कराया अवगत। 20 फरवरी को अयोध्या जाएगी धामी कैबिनेट। रामलला के करेगी दर्शन। चमोली दौरे पर आए मुख्यमंत्री धामी। गौचर में किया रोड शो। नंदा गौरा महोत्सव में किया प्रतिभाग। फूका 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल। उत्तराखंड में राज्यसभा नामांकन की प्रक्रिया शुरू। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया नॉमिनेशन। सीएम धामी। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम से लेकर भाजपा के कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। शिक्षा विभाग की शैलेश मठियानी राज्य शैक्षिक पुरस्कार की घोषणा। वर्ष 2023 के लिए 17 शिक्षकों को किया जाएगा सम्मानित। शासन आदेश जारी। प्रारंभिक शिक्षा के 11, माध्यमिक शिक्षा के 5 और प्रशिक्षण संस्थान से एक शिक्षक को मिलेगा शैलेश मठियानी पुरस्कार। उत्तराखंड में जोरों शोरों से चल रही 38वीं राष्ट्रीय खेलों की तैयारी। 500 कोच को दिया गया 5 के 5 का लक्ष्य। जल्द कॉन्क्लेव आयोजित करेगा खेल विभाग। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे शुभारंभ। हल्द्वानी हिंसा में बड़ा अपडेट। तनावग्रस्त बन भूलपुरा क्षेत्र में दी गई ढील। कर्फ्यू में भी राहत। इंटरनेट सेवा बंद। बाहरी आवाजाही पर जारी रहेगी पाबंदी। हल्द्वानी हिंसा में पुलिस की रडार पर बुरके वाली पत्थरबाज महिलाएं। जोर शोर से तलाशी में जुटी पुलिस। उत्तराखंड पुलिस की कार्रवाई आरोपियों के लिए बनेगी नजीर। अशिल क्षेत्र में साल का पहला मोनाल ट्रेल ट्रैक पूरा। मुंबई के 3 ट्रैकर्स ने अपने 3 सहयोगियों के साथ 4 दिन में पूरा किया ट्रैक। बर्फबारी ने बढ़ाई परेशानी। मोनाल का नहीं हुआ दीदार। 4 फीट की बर्फ का ट्रैकर्स ने उठाया मजा। उत्तराखंड में समूह गा के 223 पदों पर निकली बंपर भर्ती। 28 फरवरी तक ऑनलाइन जमा होंगे आवेदन पत्र। 7 से 16 मार्च तक किया जा सकेगा संशोधन। जून में प्रस्तावित है भर्ती परीक्षा। ज्यादा खबरों के लिए लॉग इन करें tvbharat.com।